Assalamu alaikum. We'll be continuing chapter number 4, cells and tissues. Sabse pehle we're gonna do distinguishing, yani differentiation. Difference batana hai between prokaryotic and eukaryotic cells, mitochondria and chloroplasts, lysosome and ribosomes. In tino ki hum logon ko differentiation karni hai. Sabse pehle we have is prokaryotic cells and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया की और यूकैरियोटिक में जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं दैट आर एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्रोकैरियोटिक के पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी कोई कवर नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन होता है, यानी वो जो है मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है. प्रोकैरियोटिक के पास एक क्रोमोसोम होता है जो पूरी तरह से ट्रू नहीं होता, यानी उसके अंदर जो कंप्लीट उसके कंपोनेंट्स कंप्लीट नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक के पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं. जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में हमारे पास यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों मौजूद होते हैं. जो ऑर्गेनल्स होते हैं यानी सेल के जो पार्ट्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स वगैरह, तो जिसमें भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स में जिसमें मेम्ब्रेन मौजूद होना चाहिए वो तमाम ऑर्गेनल्स यानी सेल के पार्ट्स मौजूद नहीं होते इन प्रोकैरियोटिक, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ऐसे मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं जिनके कवरिंग मौजूद होती है. प्रोकैरियोटिक सेल तकरीबन 1 से लेकर 10 तक म्यू मीटर जो है ये बड़ा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो ज़्यादातर 1 से 1000 म्यू मीटर तक बड़ा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट और एल्जी के सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया तमाम उन यूकैरियोटिक सेल्स से पाए जाते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर कलरलेस होते हैं. क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है कि वह लाइट को एब्जॉर्ब करता है और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तैयार करता है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. एंड देन द लास्ट डिफरेंशिएशन वी हैव इज लाइसोसोम एंड राइबोसोम्स. लाइसोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि राइबोसोम्स दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. लाइसोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, यानी लाइसोसोम्स में कवरिंग मौजूद होती है, जबकि राइबोसोम में कोई कवर मौजूद नहीं होता. इसका फंक्शन क्या है कि वो सेल को डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम, और राइबोसोम्स प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है. लाइसोसोम तकरीबन 0.1 से लेकर 1.2 म्यू मीटर तक बड़ा होता है, जबकि राइबोसोम्स काफ़ी हद तक उसके मुकाबले में बड़ा होता है. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेकर 30 नैनोमीटर तक राइबोसोम्स बड़ा होता है. नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी द डेफिनेशंस. हमारे पास 10 डेफिनेशंस हैं, एक्सोसाइटोसिस, वेसिकल्स, कार्टिलेज, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइक्लोसिस, प्लाज्मोलिसिस, रेजोल्यूशन, टिश्यू, मैग्निफिकेशन एंड सिस्टर्नी. ये 10 टर्म्स हमारे पास ऑफ चैप्टर नंबर 4 जिसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है. सबसे पहले वी हैव इज एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक मिसाल है, एक एग्जांपल है उसकी, जिसके अंदर बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल से बाहर ये सेल के अंदर आते हैं, और क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसलिए ये एनर्जी पर डिपेंड कर रहा था. अगर एनर्जी मौजूद होगी तो ही एक सेल एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कर सकेगा. तो वर्ड एक्सो का मतलब है बाहर, यानी सेल से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में या बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल सेल से बाहर निकालने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, और इस मेथड के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. वेसिकल छोटा और उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होता है, इसका मेन मकसद होता है मेटाबॉलिज्म में यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करना, ट्रांसपोर्टेशन में यानी एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स को लेके जाना, और स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे स्टोर करना. उसके तीन मकसद होते हैं मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. इन तीनों मकसद के लिए जो सेल का ऑर्गेनल मौजूद है दैट इज वेसिकल्स. नेक्स्ट वी हैव इज कार्टिलेज. कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की एक मिसाल है, जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स सेल से बने हुए होते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर कोलेजन नाम का एक प्रोटीन मौजूद होता है. ये आम बोन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ज़्यादा नरम होता है. आफ्टर डैट वी हैव इस न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, जो लिक्विड मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, उस लिक्विड को, उस फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं.
साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस के अंदर साइटोप्लाज्म का जो फ्लो होता है सेल के अंदर बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन, उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मा जो है दैट इज फ्लूइड, इसमें क्या होता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब पानी लूज करता है सेल, उसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक बेसिकली एक एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट, यानी लेट्स सपोज पानी के अंदर अगर आप नमक डाल देंगे और नमक की मिकदार पानी से ज़्यादा है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक कहलाएगा। तो क्योंकि उसके अंदर पानी की मिकदार कम है, तो इसी वजह से सेल के अंदर जो वाटर मौजूद है वो उसमें से निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। उसके बाद आता है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली दो पॉइंट के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आता है उसको कहते हैं, और उसके मदद से हम किसी भी पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं। जितना अच्छा किसी कैमरा का या किसी माइक्रोस्कोप का टेलीस्कोप का जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा वो उतनी क्लियर पिक्चर हमें देगी, जितनी रेजोल्यूशन कम होगी उतनी ब्लर पिक्चर वो हमें आएगी। नेक्स्ट वी हैव इज टिश्यू। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के जब ग्रुप्स बन जाते हैं और साथ में काम करना शुरू करते हैं, दे बिकम टिश्यू। नाउ वी हैव मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन यानी किसी भी चीज़ को आप जूम इन जब करते हैं तो वह किस हद तक जूम इन हो सकता है, किस हद तक इनलार्ज हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब लास्ट वी हैव इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी बेसिकली फोल्ड्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में दोनों में पाए जाते हैं, उन होलो फोल्ड्स को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 इज कम्प्लीटेड विद द डेफिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। अल्लाह हाफिज़।